उर्दू कहानी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लाहासिल से मुतल्लिक। मौजज़ों की आस में तमाम उम्र गुजार देते हैं, जो मयस्सर होता है उसको देखते ही नहीं, और जो निकल जाता है दस्तरस से उसको मुड़ मुड़ कर आवाज देते हैं। वही चाहिए और हर हाल में चाहिए, नसीब से ये जिद लगा लेते हैं। जो मांग रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, ये हम फिर कहाँ सोचते हैं। बहुत महंगी पड़ती है मोहब्बत की तजारत हमें, जज्बात बेच कर हम गमों का अंबार खरीद लेते हैं। सुकून की आस में खुद को कितना बेसुकून कर देते हैं, पर्दा न उठे सिसकती हुई नजरों से, ये सोच कर रात होने से पहले ही सारे चराग बुझा देते हैं। जहाँ मुस्कुराना हो वहाँ हंसते हंसते रो देते हैं। जाने वालों को दामन से पकड़ लो तब भी वो नहीं रुकते, और उन्हें हम पैरों से पकड़ कर रोकते हैं। कुछ दुख लफ्जों में समा नहीं पाते, कुछ अश्क खामोशी के साथ खेलते हैं। खुदा तक पहुँचना एक रात का किस्सा नहीं होता, तुमको क्या खबर हम चलने वाले कितनी दफा गिरते हैं। पढ़ने वालों के लिए भले आम से अल्फाज हों, मगर यकीन कीजिए हम लिखने वाले शिद्दत कर्ब की इंतहा को पहुंच कर लिखते हैं। जो जीता होता है हम यूं इख्तिताम में उसको भी हार देते हैं। कितने अजीब हैं ना हम, खुद को बिखेर कर यादों को समेट लेते हैं, सबको बचा लेते हैं और खुद को खो देते हैं। एक लाहासिल हसरत के लिए अनगिनत अजाब अपनी जानब मोड़ लेते हैं। दिल हर ख्वाहिश से आज़ाद हो जाता है, फिर हम दुनिया की हर जिद छोड़ देते हैं। तड़पते हैं और सिसकते हुए दामन पर सब्र की चादर ओढ़ लेते हैं। हर चीज़ से दिल बेजार हो जाता है, हर चीज़ से दिल बेजार हो जाता है साहब, फिर लड़ते नहीं नसीब से, फिर चुपचाप सर को झुका लेते हैं। फिर थक कर खुदा की जानब भागते हैं, फिर हम लोगों से सभी ताल्लुक तोड़ देते हैं। कितने अच्छे हैं ना हम, एक लाहासिल हसरत के लिए कितने आजाब अपनी जानब मोड़ लेते हैं। अल्लाह अपने जिन बंदों से ज्यादा मोहब्बत करता है ना, उन्हीं लोगों को ज्यादा आजमाता भी है, कुछ देकर तो कुछ लेकर। वो बस ताकि यूं ही मुलाकात का सिलसिला बन जाए, ताकि उसका और बंदे का ताल्लुक और मजबूत हो जाए, ताकि अल्लाह की और उसके बंदे की यारी हो जाए। अब बताओ भला क्या अल्लाह चाहेगा कि उसके बंदे कोई की तकलीफ में पहुँचे। वो तो दर्द में भी हमारी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं देता, लेकिन हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हम उसकी मसलहतों को समझने लग जाते हैं, और जब हम उसकी दी गई आजमाइशों पर सब्र करना सीख जाते हैं। जब ये बात मानी नहीं रखती कि हमसे हमारी कितनी कीमती चीज़ ले ली गई है, हमें उस वक्त बस अल्लाह चाहिए होता है, क्योंकि उसके अलावा कोई हमारी कैफियत से वाकिफ नहीं होता। और फिर हमें वो अपने आजमाइशों से गुजार कर हमारे सब्र का इनाम भी हमारी उम्मीदों से ज़्यादा देता है। फिर कुछ और मिले या ना मिले, अल्लाह तो मिल ही जाता है। और साहिब, अल्लाह काफ़ी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। कलाम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर।